हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सॉलिड वर्क्स प्रोजेक्ट्स। तो आज हम यहाँ पर सॉलिड वर्क में इस हॉट एयर स्टीलिंग इंजन को बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है यहाँ पर डिस्प्लेसर सिलेंडर। हम इसे बनाने के लिए फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच आर्क को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सेंटर पॉइंट आर्क ले लेंगे। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर दो आर्क ड्रॉ कर देंगे सिलेक्ट। इन दोनों पॉइंटों को हम यहाँ पर इन तीनों पॉइंटों को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मेक वर्टिकल, और यहाँ पर इन्हें भी हम मेक हॉरिजॉन्टल का रिलेशन देंगे। लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके की एक ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। एक हम यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से ओरिजिन पॉइंट से। स्मार्ट डायमेंशन जो हमारा ओडी है ये 38 mm है। और जो हमारा आईडी है ये 46 mm है। तो इस तरीके की यहाँ पर हमारी ये कुछ ज्योमेट्री होगी। और स्मार्ट डायमेंशन ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो लाइन है ये 146 mm की है। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे, रिवॉल्व बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा सिलेंडर ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपेरेंस में जाएंगे और यहाँ से हम ग्लास को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर ग्लास। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमारा ग्लास का सिलेंडर बनके तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है कूलिंग फिन सिलेंडर। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर है 68 mm। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और 8 mm इसे एक्सट्रूड करेंगे, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सट्रूड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल सर्कल कमांड को यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन, इसकी डायमेंशन है हमारी 72 mm। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें एक्सट्रूड करना है 67 + 3 + 8 68 mm हमें इसे एक्सट्रूड करना है। अब हमें यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, स्केच करेंगे और ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन है वो है 58 - 5 mm सिलेक्ट। इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी, ओके। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें 3 mm कट करना है और ऑफसेट लेंगे हम यहाँ से 3 mm का, रिवर्स डायरेक्शन, ओके। अब हम यहाँ से लीनियर स्केच पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें इसे कट एक्सट्रूड को सिलेक्ट करना है यहाँ पर हमें, और डायरेक्शन में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और व्यू टेम्परेरी एक्सिस और
इस एक्सिस को हम एज अ डायरेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हमें 10 नंबर इंस्टेंस के चाहिए, और गैप इसके बीच में होगा 6 mm का गैप होगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे कुछ फिन्स ड्रॉ होंगे। यहाँ पर हम इसे टेम्परेरी एक्सिस को हाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पर इस बैक सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, और एक 46 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, और 66 mm हम इसे कट करेंगे। ओके, आइसोमेट्रिक। अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, और 38 mm का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट, और यहाँ से हम इसे थ्रू होल कट करेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके, दोबारा सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, और इस क्वाड्रेंट पर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इस सर्कल का जो डायमीटर है ये 5 mm है, और इस का जो डायमेंशन है ये है 58 mm। सिलेक्ट सर्कुलर स्केच पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर एंटिटीज में हम इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमें इसकी 6 एंटिटीज चाहिए। ओके, फुली डिफाइंड स्केच। ओके, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, और इस सरफेस तक हम इसे यहाँ पर कट करेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा कट होगा आइसोमेट्रिक। और अब हम यहाँ पर चैम्फर कमांड को सिलेक्ट करेंगे, 1 mm 45 डिग्री का चैम्फर हम यहाँ पर इस एज पर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये कुछ सिलेंडर बनेगा। यहाँ पर अपेरेंस में जाएंगे, और इसे हम मेटल ब्रास पॉलिश्ड ब्रास, तो इस तरीके से यहाँ से हमारा कुछ सिलेंडर बन के तैयार। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है मेन सिलेंडर। तो मेन सिलेंडर को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच सर्कल कमांड में जाएंगे, और 44 mm डायमीटर का एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे ओरिजिन पॉइंट से। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, 16 mm इसे हमें एक्सट्रूड करना है। इसके बाद हमें इस सरफेस पर एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ पर सर्कल कमांड को सेलेक्ट करें और ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल बनाएंगे, और इसका जो डायमीटर है ये 48 mm है। एग्जिट स्केच करेंगे और इसे 14 mm एक्सट्रूड करेंगे। तो इस सरफेस को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, स्केच सर्कल कमांड को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 44 mm का। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, और 56 mm का एक सर्कल एक्सट्रूड करेंगे। अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और सर्कल कमांड को सिलेक्ट कर एक सर्कल बनाएंगे 36 mm डायमीटर का। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और थ्रू ऑल हम इसे कट करेंगे। अब हम यहाँ पर टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, और इस जगह पर यहाँ पर हम एक डाया 6 mm का सर्कल ड्रॉ करेंगे। सिलेक्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमारा हॉरिजॉन्टल रिलेशन देंगे, और स्मार्ट डायमेंशन इस पॉइंट से
इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये 25 mm है। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक, और इसे हमें ऑफसेट लेना है 48/2, और इस सरफेस तक हमें यहाँ पर कट करना है। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कट होगा। अब हम यहाँ पर सर्कुलर स्केच पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे, और कट एक्सट्रूड हमारा यहाँ पर सिलेक्ट है, और पैरामीटर्स में हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमें 360 डिग्री में 6 नंबर ऑफ इंस्टेंस चाहिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा मेन सिलेंडर ड्रॉ होगा, और अपेयरेंस में जाएंगे हम, यहाँ पर इसका अपेयरेंस चेंज करेंगे, ब्रास, पॉलिश्ड ब्रास। तो इसका हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है स्टैंड कॉलर। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, रेडियस 38, R 38 mm का यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, और लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम एक ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल का रिलेशन देंगे, और स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है हमारी ये 98 mm है। सिलेक्ट फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, 5 mm रेडियस का यहाँ पर हमें फिलेट लेना है। इन दोनों एजेस पर 5 mm रेडियस का हम यहाँ पर फिलेट लेंगे। ओके, ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस पोर्शन को ट्रिम करेंगे, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और 22 mm हमें इसे एक्सट्रूड करना है। अब हम यहाँ पर इस सरफेस पर क्लिक करेंगे, स्केच करेंगे नॉर्मल, यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 48 mm डायमीटर का, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें 3 mm कट करना है। और अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, ओरिजिन पॉइंट्स और सेंटर पॉइंट में इसके कोइंसाइड का रिलेशन होगा, और इसका जो डायमीटर होगा ये 44 mm है। एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमें इसे थ्रू ऑल कट करना है। ओके, और अब हम इस बैक सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम 68 mm डायमीटर का, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और 3 mm हमें इसे कट करना है। और अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके, स्मार्ट डायमेंशन, इसका जो डायमीटर है ये 58 mm है, और सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इस क्वाड्रेंट से एक हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे डाया 5 का, सर्कुलर स्केच पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे और एंटिटी टू पैटर्न में इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमें इसके 6 एंटिटीज चाहिए। ओके, फुल्ली डिफाइंड स्केच को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो हमारा स्केच अभी फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और थ्रू ऑल हमें यहाँ पर इसे कट करना है इस तरीके से। इस बैक सरफेस पर हमें यहाँ पर होल विजार्ड कमांड से होल ड्रॉ करने हैं, तो होल विजार्ड कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और काउंटर बोर होल को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे,
तो यहाँ पर हमारा जो इसका डायमीटर है 8 mm है और इसका 13 mm, और इसकी जो डेप्थ है हमारी 5 mm होगी। पोजीशनिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से दो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर इसे नॉर्मल करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें वर्टिकल रिलेशन देना है। स्मार्ट डायमेंशन इस लाइन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये 10 mm है, और ओरिजिन पॉइंट से जो इसके सर्कल की डिस्टेंस है ये 26 mm है, और यहाँ पर भी इसकी जो डिस्टेंस है ये 26 mm है। आइसोमेट्रिक टाइप में जाएंगे और यहाँ पर हम इसे ओके कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये काउंटर बोर होल ड्रॉ हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, स्केच करेंगे नॉर्मल, और यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। स्मार्ट डायमेंशन को हम सिलेक्ट करेंगे, इसका जो डायमीटर है ये 8 mm है और आउटर एज से इसकी जो डिस्टेंस है ये हमारी 50 mm है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो हमारी डिस्टेंस है ये 11 mm है। तो हमारा स्केच अभी फुली डिफाइंड हो चुका है। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड कट हमें इस सरफेस तक करना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एक कट ड्रॉ हो जाएगा और हमारा स्टैंड कॉलर जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपेयरेंस में जाएंगे, एल्यूमिनियम पॉलिश्ड एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है बेस स्टैंड। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर लाइन हम यहाँ पर एक ओरिजिन पॉइंट से एक वर्टिकल सेंटर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके की हम यहाँ पर एक ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम एक ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर लाइन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये हमारी 24 mm है, और इस पॉइंट से सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस है यह 168 mm, और इस लाइन की जो डिस्टेंस है 38 mm, और इस लाइन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये है 14 mm। तो इसे हमें यहाँ पर चेंज करना है, ये हमारी 164 mm है, और यहाँ पर हमें फिलेट कमांड को सिलेक्ट करना है और 5 mm रेडियस का हम यहाँ पर इस एज पर फिलेट देंगे। ओके, एग्जिट स्केच करेंगे, रिवॉल्व बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये ड्रॉ होगा। और अब हमें यहाँ पर इस सरफेस पर क्लिक करना है स्केच, यहाँ से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है डाया 8 mm का। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और 16 mm डीप हमें यहाँ पर इसे कट करना है, और दोबारा से हम यहाँ पर इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे 16 mm, रिवर्स डायरेक्शन अनमर्ज रिजल्ट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर यह हमारा एक्सट्रूड होगा। इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ कर, स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे, इसकी जो डायमेंशन है ये 20 mm है। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, 150 mm हमें इसे एक्सट्रूड करना है, एंटर, और इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें डाया 8 mm को एक्सट्रूड करना है।
एग्जिट स्केच एक्सट्रूड बॉस बेस 16 mm हमें इसे एक्सट्रूड करना है। ओके तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ड्रॉ होगा। इन तीनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपेरेंस में जाएंगे, ब्रास पॉलिश्ड ब्रास, और इस बॉस एक्सट्रूड रिवॉल्व को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपेरेंस में जाएंगे, यहाँ पर हमें इसे वुड मटेरियल देना है। तो यहाँ पर अभी हमारा बेस स्टैंड बन के तैयार है। तो यहाँ पर हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है गेयर होल्डिंग ब्रैकेट। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, सिलेक्ट, यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इसे हम यहाँ पर मेक मिड पॉइंट का रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो आउटर एज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये 38 mm है, और इसकी ये वाली डिस्टेंस 24 mm है। इसके बाद हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर हमें दो सर्कल ड्रॉ करने हैं। स्मार्ट डायमेंशन, जो आउटर हमारा सर्कल है उसका डायमीटर हमें यहाँ पर 40 mm है हमारा, और जो इनर सर्कल है उसका डायमीटर है हमारा 30 mm, और इस पॉइंट से इस ओरिजिन पॉइंट से और सर्कल के सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये 124 mm है, और ओरिजिन पॉइंट से इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये 40 mm है, सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, वर्टिकल रिलेशन देंगे, और यहाँ पर हमें दो सर्कल इस जगह पर ड्रॉ करने हैं जिनका डायमीटर हम जो आउटर वन है उसका हमारा डायमीटर 20 mm है, और जो इनर सर्कल है हमारा उसका डायमीटर हमारा 16 mm है। तो यहाँ पर हम फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, 12 mm रेडियस का फिलेट देंगे इस पॉइंट पर। ओके ओके स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे इस पॉइंट से, सॉरी ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है ये 18 mm है, और स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे इस आउटर एज से और इस सर्कल की जो डायमेंशन है ये है हमारी 94 + 60 mm 154 mm, और इस सर्कल के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रिलेशन देंगे। तो ये स्केच भी हमारा यहाँ पर फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लाइन कमांड को सिलेक्ट करना है और इस तरीके से यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, और आर्क से हम यहाँ पर उसे इसके क्वाड्रेंट पॉइंट से मिला देंगे। तो इन दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट करेंगे, मेक वर्टिकल रिलेशन, इसका डायमीटर हमारा यहाँ पर 10 mm होना चाहिए। ओके और अब हमें यहाँ पर सर्कल कमांड को सिलेक्ट करना है और एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम इस इनर सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, मेक इक्वल का रिलेशन देंगे, और स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे, आउटर पॉइंट से इसकी जो हमारी डायमेंशन है ये 94 mm है, सिलेक्ट, इस सर्कल के ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें मेक हॉरिजॉन्टल का रिलेशन देना है। अब हम यहाँ पर एक पहले हम यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सिलेक्ट, मिरर एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे, एंटिटी टू मिरर्स में हम इन
एंटिटीज को सिलेक्ट कर लेंगे और मिरर अबाउट सेंटर लाइन। ओके, तो इस तरीके से हमारी एंटिटीज यहाँ पर ये मिरर हो जाएंगी और ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे। इस लाइन को यहाँ पर हमें ट्रिम करना है और इस वाले आर्क को भी यहाँ पर हमें ट्रिम करना है। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और R10 mm रेडियस का इन दोनों एजिस पर फिलेट लेंगे। ओके, और 5 mm रेडियस का इन एजिस पर यहाँ पर हम फिलेट लेंगे। ओके ओके, अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे। एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इसे हमें एक्सट्रूड करना है, इसे हमें 20 mm एक्सट्रूड करना है मिड प्लेन पर। ओके, तो ये कुछ है, इस तरीके से हमारी ड्राइंग जो है ये ड्रॉ होगी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करना है, स्केच नॉर्मल। तो भी हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करे थे, इन्हें हम सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे इनर वाले सर्कल हैं, और कन्वर्ट एंटिटीज। ओके, अब हम यहाँ पर हर सर्कल के ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट, और इन दोनों सर्कल में हम यहाँ पर इक्वल रिलेशन देंगे और इन दोनों सर्कल में इक्वल रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इस सर्कल का जो डायमीटर है ये 8 mm है और इस सर्कल का जो डायमीटर है ये 20 mm है, सिलेक्ट। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इसे हमें यहाँ पर मिड प्लेन में एक्सट्रूड करना है 46 mm, और यहाँ से हम इसे अनमर्ज रिजल्ट करेंगे। ओके, इस बॉस एक्सट्रूड को सिलेक्ट करेंगे, अपेरेंस में जाएंगे और यहाँ पर हमें इसे ब्रास मटेरियल देना है, ब्रास, पॉलिश ब्रास, और इस बॉस एक्सट्रूड 1 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें इसे एल्यूमिनियम मेटल देना है। और अब हम यहाँ पर इस बैक सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, सिलेक्ट, इन दोनों में इक्वल रिलेशन देंगे और स्मार्ट डायमेंशन, ओरिजिन पॉइंट से इसकी जो डायमेंशन है ये 26 mm, और जो इस सर्कल की भी डायमीटर वो डायमेंशन हमारी 26 mm है, इसका डायमीटर यहाँ पर हमें 8 mm दिया हुआ है, और इनके बीच की जो हमारी इन तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और में एक वर्टिकल का रिलेशन देंगे। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और आइसोमेट्रिक करेंगे, और इसे हमें यहाँ पर 20 mm एक्सट्रूड करना है। ओके, इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पर हम इस बॉस एक्सट्रूड को सिलेक्ट करेंगे, एडिट फीचर करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट कॉन्टोर्स में जाएंगे और हमें इस सर्कल को और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है। ओके, और अब हम यहाँ पर इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम यहाँ पर सिलेक्ट कॉन्टोर्स में जाएंगे और इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसे हमें यहाँ पर डायरेक्शन 1 में 21 mm एक्सट्रूड करना है और डायरेक्शन 2 में 10 mm एक्सट्रूड करना है, इस तरीके से अनमर्ज रिजल्ट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ड्रॉ होगा। इस बॉस एक्सट्रूड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपेरेंस में जाएंगे, ब्रास, पॉलिश्ड ब्रास, और इन सरफेसेस पर भी हमारा यहाँ पर एल्यूमिनियम, पॉलिश्ड एल्यूमिनियम।
अब हमारा एक गेयर होल्डिंग ब्रैकेट बन के तैयार है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है गेयर हाउसिंग। गेयर हाउसिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, और एक हम यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मेक मिड पॉइंट का रिलेशन देंगे स्मार्ट डायमेंशन। सॉरी, पहले हम यहाँ पर सर्कल सिलेक्ट करेंगे और दोनों एंड पॉइंट्स पर, लाइन के एंड पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे सर्कल, और इन दोनों के बीच में इक्वल रिलेशन देंगे स्मार्ट डायमेंशन। सेंटर टू सेंटर जो हमारी डिस्टेंस है ये है 80 mm, और सर्कल का जो डायमीटर है ये है हमारा 46 × 2 mm। सिलेक्ट, आर्क कमांड को सिलेक्ट करेंगे और थ्री पॉइंट आर्क हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे दोनों साइड पर इस तरीके से। इन दोनों पॉइंट्स में यहाँ पर हम टेंजेंट रिलेशन देंगे, इन पॉइंट में यहाँ पर हम टेंजेंट रिलेशन देंगे, चारों एजेस पर इसी तरीके से हमें टेंजेंट रिलेशन देना है। स्मार्ट डायमेंशन और ओरिजिन पॉइंट से शिफ्ट प्रेस करेंगे, और इस आर्क की जो डिस्टेंस है ये 40 mm है, और सेम हमें इस तरफ भी देना है 40 mm। सिलेक्ट, ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस एक्स्ट्रा पोर्शन को इस तरीके से यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे। सिलेक्ट, फुल्ली डिफाइंड स्केच, ओके। तो अंडू करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन, इसकी रेडियस यहाँ पर 46 और इसकी भी रेडियस यहाँ पर 46 और इसकी रेडियस यहाँ पर हम यहाँ पर ये दे देते हैं, ओके। तो हमारा स्केच अभी फुली डिफाइंड हो चुका है, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें एक्सट्रूड करना है 18 mm, ओके। अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, सर्कल के सेंटर पॉइंट से इस तरीके से यहाँ पर हम दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, इन दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट में मेक इक्वल रिलेशन देंगे स्मार्ट डायमेंशन। जो आउटर सर्कल है, जो इस सर्कल का डायमीटर है, ये है हमारा 42 × 2, 42 × 2। तो इस तरीके से इसका डायमीटर है, और यहाँ पर हमें दो सर्कल ड्रॉ करने हैं इस तरीके से, इन दोनों सर्कल के बीच में मेक इक्वल का रिलेशन देंगे, और तीनों पॉइंट्स को, ओरिजिन पॉइंट को और इन दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, वर्टिकल रिलेशन। स्मार्ट डायमेंशन, इसका जो डायमीटर है 16 mm डायमीटर है, और ओरिजिन पॉइंट से इस सर्कल की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 30 mm, और सेम इसी साइड पर भी इसकी जो डिस्टेंस है ये है 30 mm। ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस एक्स्ट्रा अनवांटेड पोर्शन को इस तरीके से हम ट्रिम कर देंगे। ओके, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, और इसे हमें यहां पर कट करना है 16 mm, इस तरीके से यहाँ पर हमें कट करना है। इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल,
और सर्कल के सेंटर पॉइंट्स से हम इस तरीके से एक एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन जो इस सर्कल की डायमीटर है ये 30 mm है, और इनके बीच में इक्वल रिलेशन। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट, आइसोमेट्रिक, थ्रू होल। ओके, अब हम यहां पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इन सर्कल्स के सेंटर पॉइंट से सिलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन। इनका जो डायमीटर है 8 mm, और इसके बीच में यहाँ पर हमें इक्वल रिलेशन देना है। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसे हम यहाँ पर थ्रू ऑल कट देंगे। ओके, आइसोमेट्रिक। तो इस तरीके से कुछ हमारी ये गेयर हाउसिंग बन के तैयार होगी। अपेयरेंस में जाएंगे और इसे हमें पॉलिश्ड एल्यूमिनियम अपेयरेंस देंगे। तो अब हमारी ये गेयर हाउसिंग बन के तैयार है। तो यहाँ पर अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है हमारा गेयर व्हील। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल बनाएंगे 78 mm डायमीटर का, और यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट पर भी ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर है 8 mm। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें 10 mm एक्सट्रूड करना है मिड प्लेन। ओके, तो इस तरीके से कुछ हमारा ये एक्सट्रूड होगा। और अब हम इसकी टीथ बनाने के लिए इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। अब हम यहाँ पर पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल का जो डायमीटर है वो हमारा 82 mm है, 82 mm, और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन। सॉरी, इसे हम कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री नहीं बनाएंगे, सेंटर लाइन लेंगे और इस तरीके से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर अब हम इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी। ओके, 3 पॉइंट आर्क लेंगे और इस जगह पर इस तरीके से हम यहाँ पर दो आर्क ड्रॉ कर देंगे सिलेक्ट। इन दोनों आर्क को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, मेक इक्वल का रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमें यहाँ पर 2 mm दी गई है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सॉरी पहले हम इसे डिलीट करते हैं और इसे इस तरीके से यहाँ पर ड्रैग करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये 3 mm है। सिलेक्ट दिस दिस एंड दिस सिमेट्रिक, और इसे यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे और इसके बीच में भी हम यहाँ पर सिमेट्रिक का रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इसका जो डायमीटर रेडियस है 8 mm है। सिलेक्ट ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस एक्स्ट्रा पोर्शन को ट्रिम कर लेंगे। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और रिवर्स डायरेक्शन में इसे हमें थ्रू ऑल सिलेक्ट करना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये एक टीथ ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर इसे सर्कुलर पैटर्न देंगे और फीचर टू पैटर्न में इस बॉस एक्सट्रूड को
हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और पैरामीटर्स में इसे सिलेक्ट कर लेंगे और इंस्टेंस हमें चाहिए 49 mm, इक्वल स्पेसिंग 360 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से कुछ हमारा यहाँ पर ये गियर बन के तैयार होगा। आइसोमेट्रिक, तो इस तरीके से ये हमारा कुछ गेयर बनेगा। अब हमें यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, स्केच नॉर्मल, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी, ओके, एग्जिट स्केच करेंगे, आइसोमेट्रिक, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, इसे हमें 90 mm एक्सट्रूड करना है, ओके, एडिट फीचर करेंगे और अनमर्ज रिजल्ट हमें यहाँ पर लेना है, ओके। अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच सर्कल कमांड में जाएंगे और ओरिजिन पॉइंट से डाया 14 mm का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड बॉस बेस 4 mm, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सॉरी, इसके बीच में भी हमें यहाँ पर एडिट फीचर, अनमर्ज रिजल्ट, ओके। अब हम यहाँ पर इस सरफेस पर क्लिक करेंगे, स्केच नॉर्मल, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, स्मार्ट डायमेंशन, इसका डायमीटर है 10 mm और सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है 12 mm और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्टिकल रिलेशन। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें एक्सट्रूड करना है 9.5 mm। अब इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच करेंगे, सर्कल कमांड में जाएंगे और सर्कल ड्रॉ कर कर इसका डायमीटर देंगे, इसका डायमीटर है हमारा 6 mm। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो डायमीटर एक्सट्रूजन की हाइट है ये 7.5 mm है, ओके ओके। तो इस तरीके से हमारा ये गेयर बन के ड्रॉ होगा। अब हमें यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, स्केच नॉर्मल, और 70 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन, इसका जो डायमीटर है ये 70 mm है और एक हम यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, 3 पॉइंट आर्क, इस पॉइंट से इस तरीके से सिलेक्ट, सेंटर लाइन लेंगे, लाइन फॉर कंस्ट्रक्शन, और इसे हम यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो हमारी रेडियस है ये 40 mm है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये 10 mm है। अब हम यहाँ पर मिरर एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे, एंटिटी टू मिरर दिस आर्क, एंटर एंड ये, ओके। ट्रिम एंटिटी को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इस एक्स्ट्रा पोर्शन को जो अनवांटेड पोर्शन है इसे हम यहाँ पर डिलीट कर लेंगे, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम यहाँ पर इस सरफेस तक कट करेंगे, ओके। आइसोमेट्रिक, अब हम यहाँ पर अपेयरेंस में जाएंगे, ब्रास, पॉलिश्ड ब्रास, तो इस तरीके से हमारा ये गेयर व्हील बन के तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे और यहाँ पर हमें इसे नाम देना है लोअर गेयर व्हील,
08 लोअर गियर व्हील सेव करेंगे, और यहाँ पर हमें इस रोड की जो डिस्टेंस है यहाँ पर एडिट फीचर करेंगे, और इसे हमें 60 mm करना है। ओके, तो अब हमारा ये लोअर गियर व्हील भी बन के तैयार है। कंट्रोल एस, तो इस तरीके से हमारा ये गियर व्हील बन के तैयार है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।